हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ VLCC डायमंड इंस्टा ग्लो ब्लीच का रिव्यू। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आपको इस ब्लीच को यूज़ करना है। साथ ही इसका प्राइस भी मैं मेंशन कर रही हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो गाइस, इसके पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, साथ ही इसको यूज़ करने का प्रोसेस बताया गया है। आप इसको पॉज करके देख सकते हो। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट निकला है वो है इंस्टा ग्लो डायमंड ब्लीच पोस्ट ब्लीच पैक। ये है जो ब्लीच के बाद में अप्लाई करना है। तो गाइस, पोस्ट ब्लीच पैक के आपको दो पाउच मिल जाती हैं, साथ ही इसमें इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है और डायमंड के साथ साथ आपको इसके और भी वेरिएंट मिल जाएंगे। आप लोग इंस्ट्रक्शन मैनुअल में देख सकते हो, मेंशन किए हुए हैं। और इसकी हेल्प से आप ब्लीच को आराम से कर सकते हो। इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, साथ ही मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइज, अब जो प्रोडक्ट निकला है वो है प्री ब्लीच क्रीम। ये आपको ब्लीच के पहले लगाना है ताकि आपकी स्किन जो है वो ब्लीच के लिए प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद इस इंस्टा ग्लो डायमंड ब्लीच क्रीम है, ये 40 ग्राम का प्रोडक्ट है और साथ ही इसमें दो एक्टिवेटर की बोतल दी हुई है। तो गाइज, एक एक्टिवेटर की बोतल आपको 2 टाइम आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें 2 दी हुई है, तो आप समझ ही सकते हो इस एक डायमंड ब्लीच पैक को आप 4 टाइम यूज़ कर सकते हो। साथ ही एक स्पेचुला दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप ब्लीच को मिक्स कर सकते हो और साथ ही इसे अप्लाई भी कर सकते हो फेस के ऊपर ब्लीच को। तो गाइज, अब किस तरह से इसको मिक्स करना है और फेस पर अप्लाई करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है और टॉवल की हेल्प से मैं इसको अच्छे से पोंछ लूँगी। उसके बाद प्री ब्लीच क्रीम को मैं अप्लाई करूँगी फेस के ऊपर। जितना प्रोडक्ट चाहिए आप अपने फेस के और नेक के अकॉर्डिंग उतना प्रोडक्ट ले। और इस क्रीम से आपको तब तक मसाज करनी है जब तक कि ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। आपको जेंटली मसाज करना है, रफ तरीके से नहीं करना है। तो आप धीरे धीरे मसाज करें, ये जो क्रीम है ये अपने आप फेस में जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी। और उसके बाद आपको ब्लीच को कैसे मिक्स करना है और कैसे अप्लाई करना है ये मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो गाइज, आप लोग देख ही सकते हो क्रीम अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब हम ब्लीच को और एक्टिवेटर को मिक्स करेंगे। तो जितना प्रोडक्ट चाहिए अपने फेस और नेक के अकॉर्डिंग आप उतना प्रोडक्ट लें। और ये जो एक्टिवेटर दिया हुआ है आप देख सकते हो, ये हाफ दिया हुआ होता है और इसको भी आपको हाफ ही यूज़ करना है। मतलब एक एक्टिवेटर की बॉटल आपको 2 टाइम यूज़ करनी है। और गलती से अगर एक्टिवेटर ज़्यादा हो जाता है तो हो सकता है आपको स्किन प्रॉब्लम हो, आपकी स्किन रेड हो जाए या फिर इरिटेशन हो जाए, जलन होने लग जाती है। तो बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि उनका जो ब्लीच है वो अच्छा नहीं है या उनको सूट नहीं किया। हो सकता है आप लोगों से एक्टिवेटर को मिक्स करने में गलती हो जाए। तो आपको जो ये एक्टिवेटर की बोतल दी हुई होती है साथ में, इसको 2 टाइम यूज़ करना होता है। तो आप भी इसी तरह से यूज़ करना। अब मैं स्पैचुला की हेल्प से इसको अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और आप चाहो तो इसको अप्लाई करने के लिए ब्रश की भी हेल्प ले सकते हो, बट मैं जो इसके साथ स्पैचुला दिया हुआ था उसी से इसको अप्लाई कर रही हूँ। तो आप भी जिससे चाहो उससे अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो या जिससे आपको लगाने में कंफर्टेबल फील हो आप उससे आराम से लगा सकते हो। और गाइस, साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है आईज़ के पास में इसको नहीं लगाना है, क्योंकि अगर गलती से भी प्रोडक्ट आईज़ के अंदर चला जाएगा तो इरिटेशन हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आईज़ के बिल्कुल भी पास में इसको नहीं लगाना है। आप देख सकते हो कितना गैप मैं छोड़ रही हूँ। तो इसी तरह से आपको भी लगाना है और बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से लगाना है। पूरे फेस पर और नेक पर अच्छे से मैं स्पैचुला की हेल्प से इसको लगा लूँगी। तो आप देख सकते हो मैंने पूरे फेस पर लगा लिया है और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ड्राई होने दूंगी और उसके बाद कैसे रिमूव करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइस, ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं इस टॉवल को वेट कर लूंगी अच्छे से। मैं अपने फेस को डायरेक्ट वॉश नहीं करूंगी पानी से, पहले मैं इसको पहले वेट टॉवल की हेल्प से इसको क्लीन करूंगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो वीडियो में। तो आपको हल्के हाथों से ही इसको क्लीन करना है, रफली तरीके से क्लीन नहीं करना है। तो आप देख सकते हो मैं कितने आराम आराम से इसको क्लीन कर रही हूँ। तो मैं इसी तरह से पूरे फेस को और नेक को इससे पहले क्लीन करूंगी और उसके बाद प्लेन वाटर से मैं इस फेस को धो लूंगी। तो गाइज़, मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने फेस को वॉश करने के बाद।
तो गाइज जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ जो इसके साथ दिया हुआ है पोस्ट ब्लीच पैक। जितना प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट ले लूँगी और हाथों से मैं इसको अपने पूरे फेस पर फेस पैक की तरह अप्लाई कर लूँगी। और इसको आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए ही छोड़ना है। उसके बाद कैसे रिमूव करना है ये मैं आप लोगों को बताऊँगी। पहले जेंटली मैं इसको पूरे फेस पर हल्के हाथों से फेस पैक की तरह अप्लाई कर लूँगी, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। इसी तरह से आपको भी अप्लाई करना है। आप चाहो तो किसी टूल की भी हेल्प ले सकते हो इसको अप्लाई करने के लिए, बट मैं डायरेक्ट अपने हैंड से ही अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइज़ मैंने अपने पूरे फेस पर इसको अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज़ 5 मिनट हो गया है, उसके बाद मैंने अपने फेस पैक को जो है थोड़ा सा वेट कर लिया है, या आप अपने हाथों को भी आप वेट कर सकते हो। और उसके बाद आपको तब तक मसाज करनी है तब तक आपको ये फील ना हो कि ये अच्छे से एब्जॉर्ब होने लगा है स्किन के अंदर। तो ये जब एब्जॉर्ब होने लगे उसके बाद आपको पहले इसको वेट टॉवल से रिमूव करना है, उसके बाद आप फेस को पानी से धो सकते हो। तो गाइज़ मैं पहले इससे अच्छे से मसाज कर रही हूँ, तो मैं जब तक ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक मैं इससे मसाज करूँगी, और उसके बाद मैं आप लोगों से फेस क्लीन करने के बाद मिलती हूँ। तो गाइज़ ये है ग्लो आफ्टर ब्लीच। आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। उसके बाद मैंने सनस्क्रीन अप्लाई की है, आप भी ज़रूर करना ताकि आपको धूप से प्रोटेक्शन मिले। सो गाइज़ स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को दिखाया है इस वीडियो में कि किस तरह से आपको इस ब्लीच पैक को यूज़ करना है, और मुझे तो इस ब्लीच का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा। आप लोग देख ही सकते हो वीडियो में। तो वीडियो अगर आप लोगों के लिए यूज़फुल रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।